कोड है। तो गाइस नहा धो हो चुके हम तैयार और हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम जाएंगे रेड फोर्ट, तो हम जा रहे हैं रेड फोर्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का व्यू, रेड फोर्ट कैसा है आगरा का। चलो चलते हैं। तो भाई हम पहुँच गए हैं लाल किले के एंट्रेंस पे, जो कि यहाँ से एंटर हुए हम और वहाँ पीछे से लेंगे टिकट, पीछे लेने गए टिकट और हम खड़े हैं भाई बाहर, भैया टिकट ले आएंगे फिर हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा व्यू है, सब कुछ दिखाएंगे। चलो भाई चलते हैं अंदर। अब तो भाई बुकिंग काउंटर, टिकट काउंटर, यहाँ से ले जाते हैं टिकट अंदर जाने के। तो भाई टिकट काउंटर से हमने ले लिए हैं टिकट, एक पटकर कुछ मिला है, मैं पता नहीं क्या है ये पटकर टिकट क्या है पता नहीं, अरे दो टिकट। चलो चलते हैं अंदर। ये हमारी मेन एंट्रेंस जहाँ से अंदर जाएंगे और टिकट विकेट सब ले लिए हैं, ये हमारे टिकट, सब चलते हैं वो टिकट दिखाते हैं और एंटर करते हैं अंदर। चलो भाई लेट्स गो। ये हमें सब मना अंदर जाना है, खाद नोए तंबाकू फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एंट्री होती थी और ये देखिए इसमें पानी भरा होता था और मगरमच्छ छोड़े जाते थे ऐसा कुछ बताया जाता है। ये वही है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कारीगरी करके सब तक खड़ा है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ की कारीगरी। अब भी काम चल रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ दूध दूध चल रही है, पेड़े बन रही है, लाल पत्थर या फोटो खिंचवाएंगे पहले। तो भाई हम आ चुके हैं और अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ये राहुल भैया। चलो चल तो भाई वो जैसा अगर आपको सामने से जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से ऊपर जाते थे और वहाँ पे साइड में पूरे में जितनी भी ये गैप है इनमें जाके यहाँ पे सैनिक खड़े हुए करते थे और अभी इसका पूछते हैं इसके अंदर जा सकते हैं नहीं देखेंगे। तो भाई ये वो सीढ़ियाँ होती थी चढ़ने के ऊपर जहाँ से ऊपर जाके सैनिक खड़े हुए करते थे, ऊपर पहरा दिया करते थे। तो भाई ये है जहांगीर बाथ टब, ये भाई ये है बाथ टब और ये है सामने हम आ गए हैं। कह रहे थे उधर से क्या है क्या, ये है जहांगीर महल, ये जो हम उधर से दिखा रहे थे आपको कि क्या चीज़ है, ये है जहांगीर का महल। नब्बे एकड़ में और जिसमें 4000 लेबर काम करता था। अच्छा, फिर 96 साल में बन के ये तैयार हुआ हमारा जी। लाल पत्थर से अकबर और जहांगीर ने बनवाया, वाइट मार्बल का काम सा ठीक है। तो भाई हम घुस चुके हैं महल के अंदर, हाँ यहाँ पे बैठा करते थे और अब इससे अंदर चलेंगे हम, ये कारीगरी देख रहे हैं आप पहले। तो अरे भैया बताइए भैया, आपको मना थोड़ी करते हैं। ठीक है ठीक है, ये छोटी छोटी तार लग रहा है। अरे हम आ चुके अंदर, अब यहाँ हर चीज़ देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे अनार गई नाश्ती थी, क्या कैसे कहाँ पे क्या होता था, हर चीज़ यहाँ पे। तो अंदर आते इससे पहले मैं कुछ इस तरीके का व्यू दिखा जो कि बहुत अच्छा लगा, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे एक ये दरवाज़ा है जिस पर लॉक लग रहा है और ये जहाँ से हम आर पार जा सकते हैं, इधर से इधर को निकल जाओ इधर निकल जाओ ये पूरा। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर। तो भाई जो ये गैप है, ये जो गैप है, गैप में दिखता ताजमहल पूरा क्लियर। और ये क्या था, यहाँ पे शायद पानी वानी आके स्टोर होता होगा कुछ,
हाँ भाई, और काम अब भी चल रहा है जोरों शोरों से। और यहाँ से ताजमहल का क्या व्यू है भाई, तब हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा व्यू ताजमहल का यहाँ से। ओ वो रहा ताजमहल, और उसके पीछे नदी। वाह भाई वाह, कैसा नजारा है। वाह वाह भाई जान। हाँ कमरे कमरे कुछ ना कुछ है लगता भाई, ये पूरा नीचे देख सकते हो आप, मतलब बहुत कुछ है घूमने को भी। तो हम ऊपर हैं, देखें नीचे भी जाएंगे, अभी चलते हैं आराम आराम से। चलो तो ये भी कुछ हमें देखने को मिलता है व्यू कुछ ऐसा यहाँ से। अब भाई जैसे जेल वेल का सीन है ना, जेल के क्वाड हैं, लोक लग रहे हैं, कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ पे। हल्की सी गली है, ये भी कमरा सही है भाई, बस ऐसे। चलो बाहर चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको कहीं और कहीं से। हर जगह गेट वेट लगे पड़े हैं, इधर रेलिंग वगैरह है। बंद है सामने ही, बंद है छिपकली। चलो चले कहीं भी है, यहाँ इसकी पूरी करनी है। एंकर राहुल, तन्नु राणा, ये लव्स वो एंड, जब किला है फिर रोमांस करने की जगह पर ने ये वो लव ये। चलो कोई नहीं, बस ऐसा ही है, भारत बदल रहा है। यहाँ से अंदर आए और अंदर आते कुछ इस तरीके का व्यू दिखा मैं, इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और अंदर। तो ये इस तरीके का कुछ व्यू है यहाँ पे, सब उठने बैठने के हुआ करते थे। यहाँ से अंदर जा सकते हैं, यहाँ से पार निकलेंगे, यहाँ जाएंगे अब हम। पहले यहाँ दिखा देते हैं आपको कमरे वगैरह क्या है कैसे अंदर। ये वो जो मैं आपको बता रहा था, इधर से पार कर लेते हैं पूरी, ये वही है। और यहाँ से देखा जाए तो ये बंद है, ये कुछ यहाँ पे होल वोल हुआ करता था शायद। और यहाँ से हमने ये वही जगह है जहाँ से हम, हाँ ये अंदर जाने का शॉर्टकट हुआ करता है, यहाँ से हमने एंटर करा था। और ये साइड में जो रास्तेदार है शॉर्टकट हुआ करता है यहाँ निकलने का, ये हम निकल। बहुत कुछ है भाई बताने को तो यहाँ पे, पर हमें पता नहीं है क्या क्या है। इतने दरवाजे, इतने मोड़ तोड़, इतने क्वाड, इधर से बाहर निकलेंगे। ये भी कोई रास्ता लगा है, इसको देख के आते हैं पहले, इसे देख के आते हैं पहले ये क्या है। चलो कहाँ जाएंगे, बाबर बोकलैंड ओवरहेड थैंक्स वाटर वर्क। तालाब वालाब जो हुआ करते थे उसके बारे में, चलो आगे देख चलते हैं, दिखाते हैं क्या है। अरे भाई भाई भाई, गार्डन है शायद ये इनका अपना। और भाई कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ। तो हम वहाँ जाने से पहले आपको यहाँ पे कुछ दिखाते हैं बीच में। ये वो नहीं है, ये यहाँ से ओ देख रहे हो हमें रेड फोर्ट में किसके दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी के, बजरंग बली जी। अरे कह रहे बजरंग बली, जा रहे हैं जा रहे हैं सब जा रहे हैं। इधर से मूव एंटर, और भाई एंटर होते ही सबसे पहला व्यू इस खिड़की पे से कुछ दिखता है हमें, और वो व्यू है वो सामने ताजमहल। यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्ट व्यू। चलो अभी आगे चलते हैं, इधर से आगे चलते 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 हमें कुछ कमरे दिखते हैं जो कि बंद पड़े हैं कमरे सारे। ये भी बंद है, ये भी बंद है,
भाई बहुत तगड़ी कारीगरी करी है, रोशन आ रहा ये है, रोशन आ रहा यहाँ से क्या दिखता है। अरे हाँ तो भाई ये वो जगह है, मतलब यहाँ से आप खड़े होकर देखोगे ना इस ग्रिल के पास से इसे, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत छोटा, पर जितना पीछे चलोगे पीछे 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 जाओगे उतने बड़ा होता रहेगा, उतने बड़ा हो जाएगा ताजमहल, जितना आप पीछे उतरोगे उतने बड़ा होता चला जाएगा ताजमहल। भाई मतलब इसलिए तो इसे रोशन आ रहा कहा गया कुछ। और भाई जो ये वाली जाली है इसमें से बहुत ही छोटा दिख रहा है, इसमें से बहुत ही छोटा ताजमहल दिख रहा। यहाँ से बड़ा दिख रहा है, जितना पीछे जाते जाओगे उतना बड़ा दिखता चला जाएगा आपको यहाँ से। तो भाई हमने यहाँ से बहुत बड़ा देख लिया ताजमहल, इतना हम पास से देख पाए, जितना हमने यहाँ से देख लिया इतना बड़ा ताजमहल इतनी करीब से। तो हम यहाँ फोटो वोटो खींचेंगे अब, उसके बाद आपसे मिलते हैं और अंदर चलते हैं क्या है देखते हैं। तो हम आ चुके हैं खास महल, जो कि हमने यहाँ से एंटर करा था, और यहाँ से घुसते ही है खास महल। खास महल के अंदर आ चुके हैं और आपको खास महल की बात दिखाते हैं, क्या खास है इसके अंदर पहले देखते हैं। कारीगरी देखो भाई, पहले तो आप कारीगरी कुछ लाजवाब कारीगरी करी है भाई, कुछ लाजवाब कारीगरी है। यहाँ से बाहर निकलते हैं देखते हैं क्या है साहब, सब ये जाली वाली है। और यहाँ से घुसते ही ये कुछ बैठने बैठने का सिस्टम है यहाँ पे ना, और ताजमहल का तो भी आपको हर जगह से दिखेगा। चलते हैं अंदर थोड़ा सा, ये जाली जाली हर जगह से ताजमहल जरूर दिख रहा है। अब यहाँ पे आए हैं देखते क्या है, जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस। ये भी है कुछ यहाँ पे, अगर अपने को इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्या चीज है, क्या है शाहजहां का जेल है, ये शाहजहां की जेल है, यही नीचे है यही यही ये है भाई शाहजहां की जेल, ये देख लो भाई शाहजहां की जेल, दिखाएंगे अभी आगे दिखाता हूँ आपको। ये है भाई शाहजहां की जेल, मुत्तमन बुर्ज। कुछ ऐसा होया करता था भाई। साजा बुर्ज और 1632-1640 सदी तक चलते हैं आपस से भैया के पास।